तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज वैसे तो कुछ हलचल नहीं है, वैसे वही महाराष्ट्र में सरकार को लेकर, दूसरा दिल्ली में JNU के स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ी हुई फीस और बाकी जो और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर उनका हंगामा चल रहा था। लेकिन आज शाम को HRD मिनिस्ट्री ने उनकी बहुत सारी चीज़ें मान ली है, तो अब शायद ये हंगामा भी शांत हो जाए। बाकी सीधे कहानी पे, मुद्दे पे लौटते हैं। इत्तेफाक की बात है, मैंने सोचा नहीं था अभी कि इस तरह से दो कहानियाँ एक कंट्रास्ट में मैं आपको सुना पाऊँगा। एक अभी हाल में कहानी सुनाई थी जिसमें बहुत सारे मेल आया, आज भी आया, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्राइम तक की फैमिली के, जो उस जगजीवन की हेल्प करना चाहते हैं, जो 37 साल तक बिना मुकदमे की सुनवाई की और जेल में रहा, और मुकदमे का कोई मतलब पहली सुनवाई भी नहीं हुई और फिर बाद में 37 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा किया। इत्तेफाक की बात है कि यह कहानी अलग थी। 37 साल तक वो जेल में रहा इसलिए कि कानून की गलती थी, उसकी केस फाइल और सारी चीज़ें गायब हो गई। अब इसी तरीके से एक दूसरी कहानी है जिसमें एक शख्स 31 साल तक 31 ईयर हिंदुस्तान की जितनी भी अदालतें हैं, मतलब तीन ही अदालतें होती हैं जो हायरार्की में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत को इसने चकमा दिया। और कैसे, क्यों, क्या, किस वजह से, क्या जुर्म था, क्या सज़ा हुई थी, ये सारी चीज़ें इस कहानी में हैं। तो एक जगजीवन की कहानी है जो कानून की लापरवाही का शिकार रहा, लेकिन यहाँ एक शख्स है जो कानून को कैसे इस्तेमाल करता है, ये उस कहानी, इस ये कहानी है वो। और इत्तेफाक से इस कहानी से भी जैसे जगजीवन जुड़ा हुआ था, तो इसमें जो वारदात शो था उसका बहुत बड़ा रोल था इस कहानी का पर्दाफाश करने में। और 2007 की बात है, करीब 12 साल हो गए, और जब हम लोगों ने ये शो किया उसके बाद, शो करने के बाद जब IG के पास पहुंचे थे उस शहर के, तो IG साहब को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ मामला है। और इस खबर के बाद फिर वो शख्स खैर पकड़ाता है और बाकी चीज़ें होती हैं। बात है ये फरवरी 2007 की, छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग शहर है। दुर्ग शहर में एक शाम वहाँ के अच्छे खासे जो मार्केट है, एक करीब 50 साल का शख्स उस मार्केट में घूम रहा था। वो पहले एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ कुछ खाता पीता है, कॉफ़ी पीता है, फिर बाहर निकलता है, सिगरेट पीता है और यूं ही टहल रहा होता है। आम बात थी किसी शख्स का किसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी पीना, बाहर निकलकर सिगरेट पीना, पान खाना, ये कोई क्राइम नहीं है। तो वो भी अपना आम लोगों के साथ इसी तरीके से घूम रहा था, फिर रहा था, खा पी रहा था। लेकिन तभी एक शख्स की नज़र उस पर पड़ती और वो चौंक जाता है उस शख्स को देखकर। उसे लगता है कि ये यहाँ कैसे, और फिर धीरे धीरे वो उसका पीछा करता है। तो जो उसके मन में शक था कि ये वही है, वो थोड़ी देर के बाद यकीन में बदल जाता है कि हाँ ये वही है। और फिर पीछा करते करते फिर कहानी आगे बढ़ती है और फिर उसकी असलियत आती है, फिर उसकी पूरी सारी कहानी सामने आती है और फिर वो क्यों चौंका एक आदमी को मार्केट में देखकर, उसकी भी सच्चाई सामने आती है। जिस शख्स को देखकर वो चौंका था उसका नाम था नंद किशोर खंडेलवाल उर्फ नंदू, दुर्ग का रहने वाला था। और दुर्ग में रहने के दौरान, ये बात थी तब जब वो 19 साल उसकी उम्र थी, अभी जो 50 साल का हो गया था, तो दुर्ग में रहने के दौरान जब उम्र 19 साल की थी और 31 साल पहले तब 2007 में 31 जनवरी 1976 को दुर्ग में एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने के बाद उस लड़की के साथ रेप होता है और फिर उस लड़की को इस धमकी के साथ छोड़ दिया जाता है कि अगर तूने अपना मुंह खोला और पुलिस को बताया, घर वालों को बताया, तो पूरी फैमिली को मार देंगे। वो लड़की घबरा जाती है, किसी तरह से अपनी इज्जत तो बची नहीं, जान बचाकर वहाँ से बड़ी मुश्किल से घर पहुँचती है, लेकिन लड़की बहादुर थी, वो अपने माँ बाप को सारा सच बता देती है। और इसके बाद माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस किडनैपिंग और रेप का मामला दर्ज करती है, लड़की के बयान के आधार पर तलाश शुरू होती है। इसके बाद दो शख्स को उठाया जाता है, उनमें से एक था नंद किशोर खंडेलवाल उर्फ नंदू और दूसरा था उसका दोस्त पप्पू। लड़की इन दोनों की शिनाख्त कर लेती है, पहचान जाती है। इसके बाद दुर्ग पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, रेप और किडनैपिंग के चार्ज में फिर मुकदमा दर्ज होता है। गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दाखिल होती है, लोअर कोर्ट में मामला जाता है। जब लोअर कोर्ट में मामला गया, इस दौरान चूंकि ये
76 की बात थी, और तब रेप और इस सारी चीज़ों को लेके जो भी हमारे देश में एक माहौल है, जो कड़ा कड़ा कानून और इन सब की बातें हो रही हैं, उस वक्त शायद ऐसी चीज़ें नहीं थी, और तब उम्र कैद भी 14 साल की थी। तो चार्जशीट दाखिल होते ही नंदू और पप्पू को ज़मानत मिल जाती है, और ये दोनों ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी रफ्तार से जो मुकदमा है वो आगे बढ़ता है, और इस दौरान में कई साल के बाद लोअर कोर्ट का फैसला आता है, और लोअर कोर्ट पप्पू और जो नंदू है, नंद किशोर खंडेलवार, इन दोनों को किडनैपिंग और रेप के इल्ज़ाम में 10 साल की सज़ा सुनाती है। तो उस वक्त 10 साल की बड़ी सज़ा हुआ करती थी। ये सज़ा सुनाती है, दोनों उस वक्त जमानत पे बाहर थे, लेकिन जमानत पे जब ये बाहर थे, लोअर कोर्ट का फैसला नहीं आया था, उसी दौरान किसी बीमारी की वजह से जो नंदू का दोस्त था पप्पू, उसकी मौत हो जाती है। तब बचता है अकेला नंदू, अक्यूज्ड जमानत पे बाहर था। लोअर कोर्ट का आखिरी फैसला आता है, लोअर कोर्ट इसे 10 साल की सज़ा सुनाती है, लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले के बावजूद नंदू जेल नहीं जाता, न पुलिस उसे पकड़ती है, न कोई उसे जेल तक पहुंचाता है, वो बाहर आज़ाद घूमता रहता है। इसके बाद बाहर घूमता रहता है, और इस फैसले को वो हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। जबलपुर हाई कोर्ट भी अपना टाइम लेती है और फिर फैसला सुनाती है, और लोअर हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट था, उसके फैसले को बरकरार रखती है जबलपुर हाई कोर्ट, और नंदू को 10 साल की ही सज़ा जो लोअर कोर्ट ने दिया था उसी पर अपनी मोहर लगा देती है, और कहती है कि इसे 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। अब लोअर कोर्ट से 10 साल की सज़ा हो गई, जबलपुर हाई कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दे दी, अब भी नंदू को कोई गिरफ्तार नहीं करता, अब भी नंदू जेल नहीं जाता, वो आज़ाद घूम रहा है। वक्त बीतता है, अब नंदू के दिमाग में लेकिन एक चीज़ चल रही थी कि ये दो तो हो गया, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में देर सवेर जो उसका भांडा है सारा फूट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से वो फंस सकता है। फिर वो अपने आप एक ऐसा मुजरिम जिसको लोअर कोर्ट ने फैसला सज़ा 10 साल की दी, हाई कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दी, वो जेल नहीं जाता, वो सीधे उसके बाद खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जबलपुर हाई कोर्ट के उस फैसले की कॉपी लेके जाता है, और वहां अपील कर देता है, उस फैसले के को चैलेंज करता है कि 10 साल की सज़ा सुनाई गई है रेप और किडनैपिंग के केस में, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, तो इसको चैलेंज करता हूँ इस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट भी उस केस को रखती है। वक्त बीतता है, 9 फरवरी 1994 को अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है, और कहती है कि लोअर कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, इन दोनों ने जो फैसला सुनाया वो सही है, इस केस में 10 साल की ही सज़ा होगी, कोई मुरव्वत कोई रियायत नहीं होगी। तो देश की तीन अदालतें, जो पूरा एक हमारी न्यायिक व्यवस्था का एक जो स्तंभ है, पिलर है, सिलसिलेवार जो चलता है, लोअर कोर्ट जिसके फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट जिसके फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, ये पूरा केस कानूनी तरीके से तीनों कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में, केस था ये 1976 का, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया 1994 में, मतलब 18 साल बीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बावजूद नंदू को फिर कोई जेल नहीं ले जाता, नंदू फिर जेल नहीं जाता, आज़ाद घूमता रहता। 94 से 5, 6, 7, 8, 99, 2000, 2001, 2003, 4, 5, 6 गुजर जाता है, 13 साल बीत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए कि नंदू को 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। 2007 आ जाता है, फरवरी का महीना, और जब ये इंसिडेंट हुआ था 1976 में, तो 31 साल बीत जाते हैं। 31 साल में ये मुकदमा निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीनों अदालत ने 10-10 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन नंदू कभी जेल गया ही नहीं। तीनों अदालतों के इस फैसले के बावजूद उसको न किसी ने पकड़ा, ना वो कभी जेल गया, और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब
13 साल बाद भी वो दुर्ग के मेन मार्केट में खुलेआम घूम रहा है। फ़र्क ये था कि 1976 में जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वो 19 साल का एक लड़का था, 2007 में जब वो कॉफ़ी पी रहा था और सिगरेट पी रहा था, पान खा रहा था, तब उसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। 31 साल उसने आज़ादी में काट डाले, जबकि 3-3 अदालतों के फैसले के बाद। अब सवाल ये उठता है कि मुकदमे की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो कानून व्यवस्था है, पुलिस है, अदालत है और सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत इसमें इन्वॉल्व है, जो सज़ा सुनाई है, और वो शख्स एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या हुआ इसमें? तो यहीं से नंदू का खेल शुरू होता है। नंदू का जब ये मामला लोअर कोर्ट में गया और जब वो इस इंसिडेंट के बाद गिरफ्तार हुआ, फिर जमानत पे बाहर आ गया, तब उसने सोचना शुरू किया। और उसकी पहली सोच ये थी कि इस मामले में उसको सज़ा तो होगी और इस सज़ा से उसको कोई बचा नहीं सकता, चाहे कितना अच्छा वकील कर ले। दूसरी सोच उसकी ये थी कि जो उसका साथी था इसमें, पप्पू, जो उसका दोस्त था, वो मर गया, तो अब ये सज़ा उसे अकेले काटनी पड़ेगी। तो उसने ना वकीलों के बारे में सोचा, ना कि अच्छा वकील हो, या उसने कोई और तिकड़म आजमाने की सोची। उसने सोचा कि फैसला आने दो, लोग फैसले से पहले सारी चीज़ें करते हैं, मैं फैसले पे डाका डालूंगा। और इसके बाद वो जमानत पे जब बाहर आया तो उसने अपना पूरा ध्यान जो है इस तरीके के सोचने में लगा दिया कि कैसे अदालत को, अदालती फैसले को चुराया जा सकता है, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और कैसे उन फैसलों से बचा जा सकता है। इधर उधर भटकना शुरू किया, अदालतों के इसने चक्कर लगाने शुरू किए और शुरुआत होती है लोअर कोर्ट दुर्ग से। वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे एक एक कर से ये दोस्ती करता, बहुत लंबा इसने सब्र किया, दिन दिन भर जाकर वहाँ घूमता, बेवजह लोगों से मिलता, अदालती मुलाजिम से मिलता, बाबू से मिलता, जो अदालत के कामकाज देखते हैं अंदर में, जज साहब के और इन सब के, उनके जो बाकी स्टाफ होते हैं उनसे मिलता, बट अपनी असलियत नहीं बताता कि कौन है। धीरे धीरे मिलके उसने एक दोस्ती बनाई। उसके बाद उसे ये पता चला कि एक अदालत में हम सब जानते हैं कि बहस होती है, उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है, लेकिन उस फैसले का क्या होता है, ये उसने सारी चीज़ें सीख ली। जब लोअर कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले की कॉपी सीधे सीधी जो आईओ और जो थाने में ये मामला था वहाँ जाना था, और वहाँ से चूँकि ये बेल पे था तो जैसे ही जिस दिन फैसला आया 10 साल की, उसी दिन कायदे से उसको गिरफ्तार करके इसकी जमानत खारिज उसी दिन मानी जाती और इसको जेल भेज देते, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा जिस अगर सज़ा होती किसी मामले में तो उसमें फिर आपकी बेल खारिज हो जाती है उसी वक्त, नंबर एक। नंबर टू, फिर आपको बेल लेने के लिए ऊपरी अदालत में जाना पड़ता है, तो यहाँ तो 10 साल थी। तो इसने इंतज़ार किया फैसले का, और उसके बाद इसने सारा चेन पकड़ लिया था कि फैसला कहाँ टाइप होगा, ये फैसला किसके हाथ में जाएगा, कौन अर्दली मुंशी, कौन बाबू होगा जो इसकी कॉपी पुलिस तक पहुंचाएगा। ये उसने पूरा चेन एक एक कर जो इसने लगाए कई साल, ये इसीलिए लगाए थे। जब इसके फैसले की कॉपी आई, पहले से इसकी सेटिंग थी, इसने अदालती सीलबंद उस फैसले को कोर्ट के मिली भगत से जो स्टाफ थे वो हथिया लिया। वो फैसले की कॉपी कभी पुलिस के पास पहुंची ही नहीं, तो जब पहुंची नहीं तो पुलिस को पता भी नहीं कि कौन सी सज़ा, कैसी सज़ा, क्या सज़ा। ये यहाँ पहला फेज था। अब उसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को ये चुपचाप से इसने चुरा लिया, रख लिया, किसी को पता ही नहीं कि कब फैसला आया, क्या फैसला आया, किसको जेल भेजना है। लेकिन इसे ये था कि देर सवेर उसका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड अभी पुलिस स्टेशन में भी है। इसके बाद उसने अब पुलिस स्टेशन में धीरे धीरे स्टाफ बदल चुका, वक्त हो गया, अब इसने पुलिस स्टेशन में जाकर दोस्ती करनी शुरू की। पुलिस स्टेशन में भी लोगों से मिलना जुलना, उनके काम करने का तरीका, कौन क्या करता है, कौन सी फाइल कहाँ होती, कौन रिसीव करता है डाक, कौन नहीं रिसीव करता है, उसने एक एकदम पेशेवर अंदाज में ये सारी चीज़ें एक जासूसी की। और उसके बाद उस पुलिस स्टेशन से अपने केस की पूरी फाइल गायब करवा दी। अब पुलिस स्टेशन में जो रेप का इंसिडेंट था, जो 31 जनवरी 1976 को हुआ था दुर्ग में एक लड़की के साथ, उस रेप केस की जो पूरी फाइल थी वो उस पुलिस स्टेशन से गायब। फाइल मतलब केस, केस मतलब जिस शख्स के खिलाफ हुआ वो, तो उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी सच्चाई उसने ख़त्म कर दी।
अब वहाँ से केस की फाइल गायब, अदालत से फैसले की कॉपी गायब, अब ये निश्चिंत रहा। इसके बाद ये तो निश्चिंत है, लेकिन अदालत में इसे दूसरी भी चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन चीज़ों पे अगर अपील नहीं होता है और जो बाकी कानूनी चीज़ें होती हैं उसमें ये फंस सकता है। तो अदालत के ज़रिए और उस वक्त कुछ पुलिस बाबुओं के ज़रिए फिर ये एक कॉपी हाईकोर्ट पहुंचती है जबलपुर, और जबलपुर में ये खुद चैलेंज करवाता है लोअर कोर्ट के फैसले को। उस फैसले को चैलेंज कराने के बाद अब हाईकोर्ट में भी ये मामला चलता है, हाईकोर्ट भी फैसला सुनाती है और कहती है 10 साल। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी सेम उसी तरीके से जैसे लोअर कोर्ट के फैसले की कॉपी थाने या पुलिस तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंचती नहीं है, वो वहीं से उड़ा लेता है। इस दौरान में ये दो कोर्ट के उसने फैसले की कॉपी उड़ा ली, पुलिस स्टेशन से सारे रिकॉर्ड इसने ख़त्म कर दिए। अब ये बेफिक्र था, लेकिन इसे लगा कि कभी ना कभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो फंस जाए। फिर ये मिलीभगत करता है कोर्ट के और उन लोगों के स्टाफ और बाकी के ज़रिए, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपील करवा देता है इस 10 साल के फैसले को जो हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला चूंकि उसने हाई कोर्ट को चैलेंज किया था, वो कॉपी हाई कोर्ट जबलपुर पहुंचती है। जबलपुर हाई कोर्ट में भी इसने सेटिंग कर रखी थी। जबलपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक अब फैसला पहुंचेगा, क्या होगा इसके ऊपर पूरी नज़र थी। जबलपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी को भी गायब करवा देता है जिसमें इसको 10 साल की सज़ा थी। तो अब तीन कोर्ट का फैसला आ गया, तीनों कोर्ट ने 10 साल की सज़ा बरकरार रखी, लेकिन फैसले की कॉपी कभी भी उस संबंधित शख्स तक पहुंचा ही नहीं जो आगे क्या इस पर कार्रवाई करता, पालन कराता, मतलब नंदू को उठाकर जेल भेजने का काम करता। 10 साल की सज़ा थी, कायदे से देखें तो 1979 में हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था, अगर उस वक्त भी ये कर लेता तो शायद 1989 में ये बाहर ही आ जाता, कम भी सज़ा हो सकती थी। 94 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था तब भी देखते तो ये 2004 में बाहर आ जाता, लेकिन 2007 तक 1976 से लेके 31 ईयर 31 साल ये तीन तीन अदालतों के इस फैसले के बावजूद, इस सज़ा के बावजूद एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया, बल्कि हर फैसले को सीधे इसने चुरा लिया। 2007 में इत्तेफाक से एक शख्स, और वो शख्स वो था जिसने इसको देखा था, वो जिस लड़की का रेप हुआ था उस लड़की का जानकार था, और चूंकि केस से जुड़ा हुआ मामला था तो कई बार उसने देखा तो उसे बड़ी हैरानगी हुई थी, बट उसे इन सारी चीज़ों का पता नहीं था। फिर जब उसने पता करना शुरू किया तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें सामने आई। उसके बाद उसने हमारे वहाँ आई सुनील नामदेव, एक तब छत्तीसगढ़ में हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, उन तक ये स्टोरी पहुँची, फिर उन्होंने हम लोगों को बताया, फिर इसको हम लोगों ने अपने शो वारदात में किया। और इसी सिलसिले में इंटरव्यू लेने के लिए जब उस वक्त के जो IG थे, मैंने उनका कहीं का नाम भी नोट किया, वाई के एस ठाकुर, ये IG रायपुर रेंज थे उस वक्त, और जब इनको बताया गया कि एक ऐसा नंद किशोर खंडेलवाल है उर्फ नंदू है, एक रेप का केस था, 10 साल की सज़ा हुई लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये एक दिन के लिए भी कभी जेल ही नहीं गया क्योंकि इसने हर फैसले की कॉपी को चुरा लिया, तो उन्हें भी मालूम नहीं था कि यह है क्या, क्योंकि नंद किशोर खंडेलवाल का केस ही नहीं जान उनको मालूम था, उनके नॉलेज में ही नहीं था। जब ये बताया तब उन्होंने कहा कि जांच करते, और फिर उन्होंने जांच की और उसके बाद उसे पकड़ा। फिर पकड़ने के बाद जब उससे पूछा गया, पूछताछ हुई, तो फिर उसने सारी कड़ियाँ बताई, फिर उसमें कुछ अदालत के कर्मचारी और बाकी लोग भी पकड़े गए। उसके बाद फिर इस पर मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन कुछ साल के बाद इसके अच्छे चाल चलन की वजह से, और चूंकि उम्र भी हो गई थी, 19 साल में उसने जुर्म किया था, 50 साल जब 51वें साल या 50 साल की उम्र में पकड़ा गया, उसके बाद ये करीब 4-5 साल ही जेल में और रहा, फिर इसको माफ़ी दे दी गई, सज़ा कम हो गई और ये बाहर आ गया। तो ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा शख्स होगा जिसने 10 साल की सज़ा पाने के बावजूद एक नहीं दो नहीं, और छोटी नहीं बड़ी नहीं, जो पूरे सिलसिलेवार हमारी सिस्टम है जुडिशियल की, उसने हर अदालत को चूना लगाया और देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को भी उड़ा कर ले गया, और अपनी गिरफ्तारी को, अपने जेल जाने को 31 साल तक बचा कर रखा। 31 साल इसने अपनी वैसी नॉर्मल ज़िंदगी जी जैसे जीता है,
लेकिन इसका ध्यान हमेशा ये रहता था कि कोई ऐसी कमी न रहे। और शायद अगर वो उस दिन, उसे लगा कि 21 साल बीत गए हैं तो अब कोई पहचानेगा भी नहीं, कोई पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि 19 साल का लड़का और 50 साल का उस वक्त उसकी उम्र हो गई थी, तो उसे थोड़ी सी ये गलतफहमी हो गई थी। अगर शायद वो ये ना करता तो न मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा होता, न उसके बारे में सच पता होता। लेकिन एक शख्स ने पहचान लिया और तब जाकर ये घेर खुला और फिर लगा कि शायद हिंदुस्तान की किसी अदालत और इंसाफ के खिलाफ इससे बड़ी साजिश किसी ने नहीं की हो। तो ये थी कहानी, कहाँ एक जगजीवन की कहानी जो 37 साल तक कानून का मारा, और कहाँ नंदू की कहानी जिसने 31 साल तक कानून को मारा। तो ये दोनों अलग अलग कंट्रास्ट कहानी थी। अब मैं कुछ आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ। हर्ष अग्रवाल हैं, इन्होंने कुछ सवाल किया था, बहुत सारे लोगों का जगजीवन पे ही सवाल था इत्तेफाक से, कि अस्पताल से अगर भाग जाता तो क्या होता। तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल से भागता तो हो सकता है इसका रिपोर्ट और रिकॉर्ड तो था नहीं, तो आराम से अपनी ज़िंदगी जीता, 37 साल इसके बर्बाद ना होते। नीरज कश्यप हैं, ये नीरज बवाना की कहानी सुनना चाहते हैं, गैंगस्टर। इसके अलावा ऋषभ सिंह हैं आरा से, बीरपाल सिंह कपूर हैं, ये करतारपुर की कहानी सुनना चाहते हैं, अभी करतारपुर कॉरिडोर खुला है, चलिए मेरे लिए भी नई चीज़ होगी, आपको बताता हूँ डिटेल में। इसके अलावा निज़ाम खंडेला हैं, इनकी बेटी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो, हमेशा अच्छे रहें। SF आलम हैं देहरादून से, और ये बोलते हैं कि मैं कहानी सुनाते रहता बीच में कई बार आह करता हूँ, तो वो आह क्या होता है, मतलब अफसोस में होता है या फिर मेरी आदत है, फितरत है, तो मैं भी अभी सोचूंगा कब बोलता हूँ, लेकिन कई बार किसी स्टोरी पे या किसी चीज़ पे कुछ अफसोस होता तो शायद ये निकल जाता हो, ध्यान नहीं दिया मैंने। रहबर हुसैन हैं दरभंगा से, इसके अलावा ऋषु त्रिपाठी हैं, और इनका बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे ऋषु त्रिपाठी साहब आपको। राफेल के बारे में अभी ये कहानी सुनना चाहते हैं, राफेल के बारे में कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी है, तो अगर वो फैसला आता है उसके मैं कोशिश करूँगा आपको कहानी सुनाऊँ। हर्षिल पटेल हैं लंदन से, शिकायत है कि मैं मेल का जवाब नहीं देता हूँ, हर्षिल साहब कभी कभी ऐसा हो जाता है तो इसलिए बुरा ना माने। अरविंद पासवान हैं, कल की कहानी थी शायद वो, जो एक अजीब लव स्टोरी एक क्रिमिनल की सुनाई थी आपको, जो एक तरफा प्यार में, तो इन्होंने लिखा है अरविंद पासवान ने, ये इस वक्त दुबई में काम कर रहे हैं और दुबई जाने की कहानी भी इनकी अजीब है कि ये इश्क की वजह से दुबई गए। कहते हैं कि मेरी कहानी सेम उसी क्रिमिनल की तरह थी, बस फर्क ये था कि मैंने किडनैपिंग नहीं की, अच्छा किया आपने, इनका कहना है। लेकिन उस हम दोनों के परिवार में काफ़ी फ़र्क था, बट मैं उससे इश्क करता था, तो मैं अच्छा कमाने के लिए कि उसको खुश रखूँगा, फिर मैं दुबई गया नौकरी करने पर, इस बीच में लड़की की शादी कहीं और हो गई और अब मैं ऐसे ही रह गया। तो अरविंद साहब ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी में सब कुछ लिखा होता है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलती, तो ये हो सकता है उससे बेहतर आपको लड़की मिले जिससे आपकी शादी हो। नीतू राज बोरा हैं असम से हैं, और ये कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। दिनेश शर्मा हैं, और इन्होंने गुजरात भी बुलाया है, पूरे गुजरात की तरफ से बहुत सारा प्यार दिया है, और थैंक यू वेरी मच, इन्होंने कुछ स्टोरी की भी फरमाइश की है। धार्मिक त्रिवेदी साहब हैं, ये भी गुजरात से हैं, और इसके अलावा हरदीप सिंह हैं पटियाला से, भूटान वानी की कहानी सुनना चाहते हैं। विवेक यादव हैं उन्नाव से, मनीष यादव हैं ये बेअन सिंह की कहानी सुनना चाहते हैं, उनकी मर्डर मिस्ट्री। मीता भट्टाचार्य जी हैं ये, और इनके पति दोनों क्राइम तक की फैमिली के मेंबर हैं, और बहुत पाबंदी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीता जी, आप दोनों को मेरा प्रणाम। और इनका कहना है कि ये मालचा महल जो मुग़लों के वंशज की आखिरी ठिकाना था जहाँ वो रहे थे, तो मालचा महल की कहानी सुनना चाहते हैं। मीता जी मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ, थोड़ी मेहनत करता हूँ इस पर। तपन दास हैं ये शेख मुजीबुर रहमान की कहानी सुनना चाहते हैं। आशुतोष सराफ हैं कोलकाता से, इन्होंने एक ऑडियो भेजा भी, मैं आ रहा था थोड़ा सा सुना था, बाकी सुनता हूँ आशुतोष जी फिर बताता हूँ। गगनदीप सिंह हैं, और ये 26 दिसंबर 2004 की स्टोरी सुनना चाहते हैं, मालूम नहीं उस दिन क्या था लेकिन मैं पता करता हूँ। वीर दमन सिंह हैं ये शिमला की स्टोरी सुनना चाहते हैं। सचिन श्रीवास्तव हैं, इनका कहना है कि अब मुझे नींद अच्छी आती है और कहानी सुनकर, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इस मेल प्यार के लिए। आसिम बताओ आप। पुलिस की इंक्वायरी नहीं होगी कोर्ट में जाकर, कोर्ट में केस होने के बाद
प्रकाश जी सब कुछ होती है, हर एक का सिस्टम बना हुआ है, ऐसे आसानी से नहीं भाग सकते, लेकिन हमें दो चीज़ें इस कहानी को सुनते वक्त ध्यान में रखना होगा। एक, टाइम। आज के टाइम में थोड़ी पुलिस अलर्ट है, हर चीज़ पे ध्यान रखती है, कोर्ट में किसे जाना है, कब किस केस की सुनवाई होगी, कब कहाँ फाइल है। अब तो खैर डिजिटल भी हो गया है। 1976 में अगर हम लौटें तो, और दुर्ग जैसे इलाकों में तो शायद इतनी एडवांस पुलिस नहीं थी, इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिव भी नहीं होगी, तो इसी सब चीज़ों का। और फिर अगर होगी भी तो अगर मिली भगत है, वही है इंसानी फितरत कि अगर आप रिश्वत ले लिया आपने और बिक गए, तो फिर तो सारे रिकॉर्ड खरीदना, बेचना, मिटाना, चुराना सब आसान हो जाता है। सर मोहसिन है बोल रहे हैं, सर ऐसे अगर दिमाग वो अच्छे काम में लगाता तो आज देश में उसका नाम होता और हम उसकी कोई अच्छी गाने सुन रहे होते। बिल्कुल मोहसिन साहब आप सही कह रहे हैं, अगर अच्छे काम में दिमाग लगाता तो हो सकता था। सर रजत केसरवानी बोल रहे हैं, सर क्या कानून व्यवस्था उस समय ऐसी ही थी? ऐसी तो बहुत सी साजिश होंगी उस समय की। बिल्कुल केसवानी साहब हो सकते, क्योंकि इस कहानी से तो एग्जांपल है, क्योंकि मानने को भी ऐसा तैयार नहीं होता कि कोई शख्स अकेला इस तरीके से स्टेज दर स्टेज सब कुछ मैनेज करे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे की फैसले की कॉपी उड़ा ले, पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड्स गायब करा दे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लूपहोल्स, बहुत सारी लापरवाही है, सारी चीज़ें तो रही। सर दीप हैं बोले, सर इस पर धोखाधड़ी फ्रॉड का केस क्यों नहीं बना? आदीप साहब उसमें बना था, उसके अलावा उसमें बाकी चीज़ें भी आई थी, जिस तरीके से ये चोरी और सारी चीज़ों का, और वो सारे मामले भी बने थे। सर हरवीर सिंह है बोल रहे हैं कि सर ये जो कहानी थी इसके बाद अभी वो कहाँ है, अभी जिंदा है या नहीं? जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी आज मैंने उसके बारे में अपडेट बहुत लेने की कोशिश की, लेटेस्ट उसकी ये था कि वो जेल से रिहा हो गया, क्योंकि वैसे भी अगर उसको 10 साल आप देखते हैं और बाकी थोड़ा 1-2 साल एक्स्ट्रा था, तो 2007 और ये 19 12 साल हो रहे हैं, तो वो जेल से उसको थोड़े वक्त से पहले रिहाई मिल गई। और फिर वो कहीं, अब जाहिर सी बात उम्र भी 2007 में 50 साल थी और 12 साल तो लगभग 62 ईयर्स हो गया, तो उसके बारे में अभी नया उसका पता नहीं मिला। सर विनय तिवारी बोल रहे हैं, अब ये संभव नहीं है क्या सर, क्योंकि सब कुछ तो अब सीसीटीवी या इंटरनेट से पुलिस स्टेशन कोर्ट के बीच में कनेक्ट हो गया। अब विनय तिवारी साहब ये कहना कि अब संभव नहीं है, मुझे लगता है कि ये शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आज भी हम इतने एडवांस है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे हम खुद ही शक और सवाल खड़े करते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। जगह जगह कैमरे हैं, पुलिस है, निगरानी है, चौकसी है, हमारे पास आज बेहतरीन सारे साधन हैं, उपकरण हैं, लेकिन क्राइम आज भी वैसी होता है, धोखाधड़ी आज भी वैसी होती है, जेल ब्रेक आज भी होता है, तो होता सब कुछ है, वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। सर जीएस दुबे बोला है, सर आप जब क्राइम की कहानी सुनाते हो तो ऐसा लगता है कि मानो सारा क्राइम हमारी आंखों के सामने चल रहा है। सर मैं आपकी आवाज का बहुत बड़ा फैन। थैंक यू जीएस दुबे साहब, थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया। सर मेहुल है बोल रहा है कि सर आपकी कहानी सुनने के बाद एक बार उससे मिलने का दिल कर रहा है, हो सके तो उससे प्लीज बुला लीजिए। मेहुल सर मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा कि यहाँ आने से पहले आखिरी तक हम कोशिश करते रहे कि वहाँ पे नया पता ठिकाना कुछ मिल जाए, कुछ बातें कर सकें, क्योंकि अब वो एक आज़ाद नागरिक है, तो कोशिश मेरी जारी है, मिल गया तो पक्का मैं आपके सामने लाकर बैठा दूंगा। सर बपन घोष है बोल सर, हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है खासतौर से जुडिशरी? अब अपन घोष साहब, अब ये सवाल का जवाब कि हमारा सिस्टम या जुडिशरी के मामले में ऐसी कमजोरी क्यों है, क्या है, ये एक लंबी बहस की बात होगी, क्योंकि सिर्फ एक दो लाइनों में इस समस्या को बताया नहीं जा सकता और हल भी नहीं किया जा सकता, इसको पूरा एक तरह से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इस पर लंबी बहस करने की ज़रूरत है। सर विकेश है बोल रहे हैं, सर आपके हिसाब से क्या अपराधी हमारे कानून का लूपहोल्स का फायदा उठा के बचते हैं? विकेश साहब बिल्कुल, और हर एक शातिर क्रिमिनल जो होता है वो सबसे पहले देखता है कि कानून में कहाँ कहाँ कमजोरियाँ, कहाँ कहाँ लूपहोल्स हैं। जैसे कोई भी एक कोई क्राइम करता तो सबसे पहले देखता कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से वो बच सकता है, कहाँ पर कैमरे की नज़र नहीं है, कहाँ पर पुलिस नहीं होती, कहाँ पर चेकिंग नहीं होती, तो वैसे ही कानून में कहाँ कहाँ झोल है, कहाँ कहाँ होल है, इन सारी चीज़ों का वो लोग ध्यान रखते हैं और उसी हिसाब से फिर प्लान करते हैं। सर निशांत कुमार बोल रहे हैं, सर क्या कभी कोई लड़की के घर वालों ने या उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने जानने की कोशिश नहीं की अक्यूज कहाँ है? लड़की के घर वालों ने शुरू में जब था कि सज़ा हो गई तो कभी, अब जाहिर सी बात है कि लड़की के घर वाले भी ये है कि उनका अपना नहीं है बल्कि वो विक्टिम है लड़की वाले और वो गुनहगार है, तो उन्हें ये पता चल गया कि 10 साल की सज़ा हो गई, जब लोअर कोर्ट की बात थी तो वो निश्चिंत हो गए कि चलो अब 10 साल की सज़ा हो गई, उसको अपने किए की सज़ा मिल गई। और फिर ये भी एक खबर थी कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो आम तौर पे कहीं भी हम लोग अगर एक समाज में रहते हैं तो ये उस वक्त चीज़ें पता चल गई थी आस पड़ोस में, तो लड़की ने और लड़की के घर वालों ने अपना शहर भी बदल दिया था सिर्फ इसलिए कि बदनामी ना और बाकी चीज़ें, तो वहाँ से भी निकल गए, तो फिर फॉलो अप उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक बार लोअर कोर्ट का फैसला उनके कानों तक भी पहुँच चुका था
और वो संतुष्ट हो गए थे कि चलो उसको किए की सजा मिल गई। सर गजानन साहू जी हैं, बोलना सर नमस्कार, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से ही हूँ, आज आपकी जुबानी दुर्ग की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, ये अजीब कहानी हमें भी नहीं पता। हाँ गजानन साहू साहब धन्यवाद, शुक्रिया, और आप दुर्ग से, इत्तफाक की बात, आज की कहानी दुर्ग की है, तो चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। सर अजय हैं, बोलना सर आपके वारदात को एपिसोड हमें देखना है, हो सके तो क्राइम सेक्टर प्लीज। अजय साहब मैं कोशिश करूँगा, वो 2007 का एपिसोड है लेकिन होगा लाइब्रेरी में, तो मैं उसको क्राइम तक में जरूर डलवा अपलोड करवाता हूँ। सर एक ओमजन है, बोल रहे सर मेरा नाम शीतल है, ओमजन के नाम से अकाउंट है इनका, ये कपड़े सिलती हैं, और बोले सर मैं कपड़े सिलते टाइम 6-6 घंटे के शिफ्ट में लगातार आपकी कहानी सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा काम भी होता है और आपकी कहानी भी सुनती हूँ। शीतल जी दिल से शुक्रिया, और आप कपड़े सिलती हैं और फिर कहानी भी सुन लेती हैं, तो वाकई आप मतलब तारीफ के लायक हैं, क्योंकि पूरा आपका कंसंट्रेशन जो है कपड़े सिलने का काम भी अपने आप में एक ऐसी कला है कि ज़रा सा ध्यान इधर से उधर भटके तो फिर वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेकिन दिल से शुक्रिया आप लोगों का, आप इसी तरह हौसला बढ़ाते हैं तो मेरी भी हिम्मत होती है कि आप तक कहानी पहुंचाऊं सुनाऊं। सर मुदिता है, बोल रहे हैं कि सर आप यकीन मानिए आपकी कहानी सुनने की ऐसी आदत हो चुकी है कि बिल्कुल मन नहीं लगता। मुदिता जी मैं बार बार कहता हूँ लत नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, बड़ी बुरी होती है, लेकिन कहानी आप लोग सुनते हैं इतने प्यार से सुनते हैं, और मैं सच बताऊँ ये इतने सारे आप लोग जो बताते हैं मैं इसको कोई झूठ के तौर पर नहीं लेता हूँ, बहुत सारे मैं तो कम से कम 250-300 तो मेल ही पढ़ लेता हूँ जब जब मौका मिलता है एक दिन में आप लोगों के, सिर्फ क्राइम तक फैमिली के। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदत हो गई लत हो गई, तो मुझे भी मतलब कभी कभी लगता ही नहीं कि ऐसा क्यों है क्या है, बट इतने सारे लोग बोलते हैं तो फिर मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और यही एक वजह है कि कई बार मेरा मन ये होता है कि आज कहानी गोली दे देता हूँ, नहीं सुनाता हूँ। कई बार होता है, हर इंसान कई बार थक जाता है, ऐसा लगता है कि आज थोड़ी बोरियत हो रही है, 365 दिन एक जैसा नहीं होता, तो साल में 1-2 दिन तो ऐसा होता है जब लगता है कि यार आज कुछ काम नहीं करना है, ये नेचुरल है, होता है। तो सेम मेरे साथ कल हो रहा था, कल मुझे लगा था कि कहानी नहीं सुनाना क्योंकि बस लग रहा था कि आज कुछ करना ही नहीं है, थक गया हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ फिर, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल पता नहीं टीजर भी बहुत कम टाइम पे गया होगा, तो बहुत लास्ट में फिर ये डिसाइड किया कि अच्छा चलो फिर सुना देता हूँ, कि फिर बाकी मेल पढ़ने पड़ेंगे, वही शिकायत वही शिकवे, तो क्यों उससे अच्छा है कि कहानी सुनाता हूँ। तो कई बार होता है, हम लोग भी इंसान हैं कि मन कुछ और करता है, कई बार लगता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा कुछ, कई बार होता है कि यार बोर हो गया हूँ, लेकिन फिर आप लोगों का ये प्यार है कि वो खींच के ले आता है यहाँ तक और फिर सुनाना पड़ता है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इसी तरह हौसला बढ़ाते रहें, मैं आपको सुनाता रहूँगा। सर श्वेता महावर हैं, सर बोले सर आपने कहा था कि मुझे कभी कहानी के एपिसोड में लाएंगे, आपने कोई रिप्लाई से कुछ मेल किया था शायद? श्वेता महावर साहब अगर ऐसा बिल्कुल है मैं कभी ज़रूर लेकर आऊँगा, और आसिम इनका मेल आप नोट करके रखें और ज़रूर बताएँ। सर एक रेशमा है, सर बोले कि सर मुझे आपके साथ आपको घर पे बुलाना है खाने पे, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? रेशमा जी बिल्कुल, मैं वैसे भी खाने का बड़ा शौकीन हूँ, बिल्कुल पॉसिबल होता है, वक्त ने और क्रिमिनल ने इजाज़त दी तो, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी क्रिमिनल के ऊपर ही टिकी रहती है, सब वो शांत रहते हैं तो हम लोगों का भी दिन अच्छे से गुजर जाता है, वो कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं तो फिर हमें भागना पड़ता है, लेकिन वादा है कभी मौका मिला तो ज़रूर खाना खाऊंगा आपके साथ। सर रविंद्र सिंह बोल रहे हैं, सर इतने साल हो जाते हैं कि कैसे में रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों? रविंद्र जी पूरी सिस्टम, पूरा जो अपना सिस्टम है जुडिशियल, कहानियाँ ऐसी भरी पड़ी हुई हैं, 40-40, 30-30 साल हो गए इंसाफ मिले हुए, 20-20 साल तो हो गए जिनको फांसी की सज़ा हो गई, वो फांसी के फंदे तक नहीं पहुँच पाए, तो इस पर कई बार बात की हम लोगों ने, ये पूरा सिस्टम जो है वो इसमें कई चीज़ें हैं, कई खामियां हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। सर एक मोंटू है, बोला सर उन्नाव कांड का स्टेटस क्या है और निर्भया के आरोपियों को फांसी मिलेगी या? मोंटू साहब उन्नाव का कांड का जो स्टेटस है उसमें अभी फैसला आना बाकी है, और दिल्ली में ही सुनवाई हो रही है उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में, और जहाँ तक निर्भया की बात है तो उसमें सज़ा तो होगी, मतलब ऑलरेडी सज़ा फांसी तो हुई भी है 7 दिन की, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि उनसे कहा गया था कि आप अगर मर्सी पिटीशन दाखिल करते हैं कि नहीं, तो उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया हुआ है जो इनके गुनहगार हैं निर्भया के, तो उस पर अभी फैसला आना, पर मुझे लगता है कि 2019, क्योंकि अभी ये नवंबर लगभग आधा महीना ख़त्म हो गया, इसके बाद दिसंबर 1.5 महीना पूरा 2019 में बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 2019 में उनको फांसी होगी, अब जो कुछ होगा 2020 में होगा। सर भावेश हैं, बोलना सर यासीन भटकल की कहानी कब सुनेंगे? भावेश साहब मैं यासीन भटकल की कहानी जल्दी सुनाता हूँ, पहले भी मैंने वादा किया लेकिन फिर मिस हो जाता है, लेकिन सभी की बारी आएगी धीरे धीरे। सर ये बोलना कि आपको कभी
यासीन से मिलने का मौका मिला? हाँ नहीं, यासीन भटकल से कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं यासीन भटकल के घर गया हूँ, उसके बाकी रिश्तेदारों से मिला हूँ। भटकल में मैंगलोर जाते हुए मिलता है, और मैंने पहले भी बताया था कि मैंगलोर प्लेन क्रैश जब हुआ था एयर इंडिया का, तब उस रास्ते में जाने और आने के दौरान मुझे पता था कि भटकल मिलेगा। तो फिर मैंने कहा कि जब वापसी में सारा वो प्लेन क्रैश शूट वूट हो गया, सारी स्टोरी ख़त्म हो गई दो दिन के बाद, तो फिर मैंने वहाँ से पूरा शो प्लान किया था, और इसलिए भटकल में रुका, एक दिन मिला, सारी कहानी समझने की कोशिश की। तो एक दिन मैं आपको सुनाता हूँ डिटेल से। नॉर्थ ईस्ट की कहानी भी जल्दी सुनाता हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे सारी कहानी सुनाऊँगा, पक्का वादा है। फिलहाल आज यहीं रुकते हैं, कल मुलाकात होगी रात 9 बजे और किसी नई कहानी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।